अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बने जा रहे हैं निहारी मसाला। इसकी बहुत ही इजी और आसान सी रेसिपी मैं आपको शेयर करूंगी, इससे बहुत ही मज़ेदार सी आपकी निहारी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। घर के आपको जो बेसिक मसाले हैं वो सारे नज़र आ रहे होंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने लिए 2 टेबल स्पून, इसमें है ज़ीरा और ये पपली है जिसके 5 पीस मैंने ले लिए हैं। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं निहारी का। अनारदाना है तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। 4 से 5 इसमें बड़ी इलायची है। जायफल जावित्री दोनों में रखी हुई है, ये देखें, ये ले लेंगे। और 2 से 3 स्टिक्स हैं हमारे पास दालचीनी की। 3 पत्ते हैं तेज़पत्ता, तकरीबन 1.5 टेबल स्पून सौंफ का है। यहाँ पे आपके पास पाउडर फॉर्म में हो तो आप पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लीजिएगा। ये सौंठ है और 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। तकरीबन 4 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है, मेरे पास कोटी हुई थी मैंने वो ले ली, आप पाउडर फॉर्म में ले लीजिएगा। यहाँ पे हम कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून, और 3 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया। इन सारे मसालों को पीस लेते हैं। आपके पास पाउडर फॉर्म में तो आप वो शामिल कर लीजिएगा, और इसकी जगह आपने अदरक यानी सौंठ उसका पाउडर इस्तेमाल कर लेना है। इन सारे मसालों को हम डाल के पीस लेते हैं। 1 किलो चिकन में तकरीबन मैंने 6 टेबल स्पून डाले थे, तो आपने 1 किलो में 50 ग्राम डालना है। इसको आपने पीस के रख लेना है, इसमें नमक भी शामिल कर लीजिएगा। तो हमारा ये बेहतरीन सा मसाला देखें रेडी हो गया है। 1 टीस्पून इसमें सौंठ का पाउडर डाल लेते हैं, बाकी के मसाले ऐड करेंगे। हमारा परफेक्ट निहारी मसाला रेडी है। मेरी रेसिपी भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर